जनपद संभल के रसपुरा थाना क्षेत्र के गांव मुटैना में मिट्टी की डांग गिरने से नीचे दबी महिला की मौत हो गई। मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठा। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव मुटैना में सुबह लगभग 7 बजे सुमन कुशवाहा, पत्नी सतीश कुशवाहा, उम्र करीब 28 वर्ष, जब घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने के लिए गांव के तालाब में पहुंची और मिट्टी निकालना शुरू किया तो ढांग ऊपर से भरभराकर महिला के ऊपर गिर पड़ी, जिससे महिला के ऊपर काफी मिट्टी आ गई और वह नीचे दब गई। ढांग गिरने की आवाज सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और मिट्टी को हटाना शुरू किया। महिला को बाहर निकालकर गवाह लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बच्चा कुलदीप और उससे छोटा विकास और सबसे छोटा बच्चा सेवा है। तीनों मासूम के सर से मां का साया उठ गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर डाल 112 पुलिस व चौकी इंचार्ज गवाह राम मेहर मौके पर पहुंचे। पति सतीश कुशवाहा, पुत्र वेद राम कुशवाहा की तहरीर पर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के संभल जिले से सत्यपाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? मुटैना। मुटैना, तो ये घटना हुई है ढाक में दबके, आज एक महिला है, क्या है पूरा मामला? भैया मिट्टी खोद के आ रहे हैं, मिट्टी खोद के मतलब डालने आए घर पे, और मेरे की क्या कट्टे मिट्टी भर लो दोबारा दूसरे में। हाँ। इसे लेके चलेंगे। अच्छा, मिट्टी भर के छोड़ा है। हाँ। फिर पता पड़ी कोई ढाई की एक लेडीज दूसरी पहुंची, फिर क्या हुआ? मैंने भूजे मारी, एक दो यहाँ पे सुमन नाम की बोली कहा है, तो बोले बेटा बाल ढाई करिए, मुझे बताओ ना। अच्छा, फिर आपने ढाव में से कितना टाइम लगा निकालने में? 5 मिनट लगी होगी, 5 मिनट में निकाल दूँ। अच्छा, 5 मिनट में निकाल दूँ। देखिए तो कमर टूट गई और फिर सांस भी बंद हो गई।